नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा CSIR के बारे में। तो CSIR से जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली देखा जाए तो एक टेक्नीशियन का पोस्ट है एंड अदर्स पोस्ट है। तो वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा। तो इसी तरीके से जॉब पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और आपको मैं जरूर कहूंगा अभी तक आपने जीके चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसका भी ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, CSIR से जो टोटली रिकमेंड आया है वो ऑल ओवर इंडिया से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में आपको जॉब मिलेगा। तो ज़्यादातर देखा जाए तो चेन्नई बेसिस में आपको जॉब मिलेगा, और कुल मिलेगा जो वैकेंसीज है वो 68 वैकेंसीज है, जिनमें आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट है। जैसे आप देखेंगे तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के भी पोस्ट है 30 पोस्ट है, साथ ही साथ टेक्नीशियन के भी पोस्ट है 28 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट है 28 पोस्ट है। तो पूरा का पूरा डिटेल से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी आपको फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते, आप नहीं कर सकते, ज़्यादातर एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। 65 ईयर्स तक आपका एज लिमिट दिया गया है, और इस कंपनी के अप्लाई करने के लिए, सॉरी, इस गवर्नमेंट संस्था में अप्लाई करने के लिए आपको टोटली जो सिलेक्शन का जो प्रोसीडर रहेगा वो रिटिन टेस्ट और इंटरव्यू, इस दोनों के माध्यम से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज के बारे में बात करूँ तो 33,800 से 61,800 तक पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाला है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूँ तो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़, SC/ST फिजिकल हैंडीकेप के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपको मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में आपका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी डिटेल्स यहाँ पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट से आपको जॉब पाने के लिए 10th पास होना चाहिए, 55% मार्क्स लेकर, और ITI का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको मतलब BSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स लाइफ साइंस एंड 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो कुछ क्राइटेरिया पे दिया गया, उस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए अप्लाई कैसे करेंगे, उसका प्रोसीडियर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करना और अप्लाई ऑन में क्लिक करना। तो इस दोनों लिंक में क्लिक करने से पहले टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो इस दोनों लिंक में जब क्लिक करेंगे तो इस पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन और अलग अलग पोस्ट भी दिखाएगा। तो पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो आपके सामने इस पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन के सारे जानकारी आपको मिल जाएगा, एक एक करके जाकर चेकआउट कर सकते हैं और कितने वैकेंसीज है, उसका सैलरी कितना है, उसका एज लिमिट कितना है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक साथ मिल जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई बटन में क्लिक करना, जब अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस फॉर्म को हम जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करेगा, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक लेते सर ये अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।